खबर चंपावत से। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस क्रम में चंपावत जनपद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। टनकपुर SDM हिमांशु कफलटिया ने बताया, चूंकि हाल फिलहाल में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर चल रही, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन और जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जिस क्रम में हमारे द्वारा जनपद की सीमा जगबूढ़ा पुल पर लगातार चेकिंग की जा रही, साथ ही नेपाल बॉर्डर पर भी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता पूर्णागिरी के दर्शन करने हेतु पूर्णागिरी मेले में आ रहे, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया। इसके साथ हमारी मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा भी सैंपलिंग की जा रही, बॉर्डर पर भी चेकिंग और सैंपलिंग की जा रही, साथ ही नेपाल सरकार ने बॉर्डर पर जो निर्देश जारी किए गए वहां पर भी कोविड-19 रिपोर्ट अनिवार्य किया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए जारी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। चूंकि अभी हाल फिलहाल में जो कोविड है उसका संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है और एक सेकंड वेव कोविड की आ रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके क्रम में हमारे द्वारा जगबूढ़ा पे लगातार चेकिंग की जा रही है। और इसी तरीके से जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर के लिए भी जो SOP है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जो श्रद्धालु चंपावत डिस्ट्रिक्ट में माता पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी मोबाइल मेडिकल टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, बॉर्डर पे भी चेकिंग करी जा रही है, सैंपलिंग करी जा रही है। और इसके साथ साथ जो नेपाल गवर्नमेंट ने जो अपने बॉर्डर पे SOP जारी किया है वहां पर उन्होंने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी की है। तो इस पूरे SOP के तहत और सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोविड-19 के जो सुरक्षा नियम है पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।